गाइस ये सच है। मैं अपने बाल पर मैं क्या करती हूँ अभी भी कॉम नहीं रहा। मैं अपने बाल को ऐसे बस ऐसे गोल गोल घुमा कर क्लचर। गाइस देख सकते हैं ये क्या कर मतलब क्या कर रहा है। हे ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स आज है फ्राइडे और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे प्यारे से थोबड़े में क्या हो गया है। तो गाइस मैं बता दूँ आज मैं चुड़ैल वाला मेकअप की हूँ। मतलब ऐसा मैं मेकअप कभी करती ही नहीं हूँ, मतलब ऐसा वाला जैसा मेरा दिख रहा है। तो मुझे आज मन करा तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेकअप कर लेती हूँ चुड़ैल वाला। तो गाइस इट्स लाइक चुड़ैल पता नहीं आप लोग देखे गाइस आप बताएं। गाइस आर मैं बता रही हूँ कि आज जो मेरा ब्लॉग है मैं काफ़ी दिनों बाद मतलब लिटरली काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट की हूँ। गाइस काफ़ी मतलब कम से कम 2-3 दिन बाद मैं डालने वाली हूँ ब्लॉग। घर के कुछ पर्सनल इश्यू होते हैं उसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो गाइज आज से मैं रेगुलर रहूँगी, मतलब एक भी दिन अब मेरा ब्लॉग नहीं मैं सोने वाला। गाइज जो जो रेगुलर देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, रेगुलर मतलब कि जो हर दिन देखते हैं मेरे ब्लॉग्स गाइज, उनका बहुत बहुत थैंक यू। वो मेरे कुछ कुछ है फ्रेंड्स जो बोल रहे थे तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तब मैं समझी मेरा ब्लॉग का महत्व कि हाँ मेरे ब्लॉग तो बहुत कोई देखना पसंद करते। तो गाइज मतलब बीच में मैं सोची कि अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँ कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन जब एक नहीं बल्कि 2-3 मेरे दोस्तों ने बोला अंकिता तो ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, हम मी आई वॉज लाइक वॉट क्या मेरे ब्लॉग्स इतना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो गाइज आई वॉज सो मच सरप्राइज। तो मैंने सोचा कि अब से मेरे ब्लॉग्स डेली आएंगे, नॉट मिस मतलब एक भी दिन मिस नहीं करने वाली हूँ गाइज। तो मैं सोच ली हूँ कि मेरे ब्लॉग अब डेली आने वाले हैं, एवरी डे एनी हाउ कुछ भी मैं करूँ लेकिन मैं एवरी डे ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो गाइज फिलहाल तो मेरा काम ये है कि अभी मैं अपना हेयर कट करूँगी खुद से। देख रहे हो मेरा हेयर कितना कवाड़ा हो गया हुआ है, कवाड़ा मतलब नीचे अच्छा है मस्त वाला लेकिन ऊपर में चिड़िया का घोंसला। तो गाइस अभी मैं अपना हेयर कट करने वाली खुद से ही। हाय मेरे प्यारे हेयर्स गाइस, क्योंकि मैं अपना हेयर कट खुद अकेले ही करती हूँ, मतलब हमेशा से अकेले ही करते हैं किसी का, मतलब ब्यूटी पार्लर में मुझे पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है। मैं अपना हेयर कट हमेशा से खुद से की हूँ और इतनी मेरे इतने लंबे लंबे बाल लटनी सो यू गाइस लटनी सो यू गाइस मेरे लंबे लंबे काले काले लंबे लंबे काले 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 लंबे लंबे बाल। हाँ यार ये मेरे बेटा बताया लाइक देखिए मेरे इतने लंबे बाल इतने लंबे और कितना पड़ेगा इतना लंबा इतने लंबे बालों को मैं काटने वाली गाइस आई एम सॉरी करना पड़ेगा बहुत लंबे बाल इसमें कट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं इतने ज़्यादा वाले इतने ज़्यादा हेयर फॉल इतना ज़्यादा वाला कि हर दिन मेरे बाल इतना सब। तो गाइस हेयर कट करने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मुझे हेयर को कम करना पड़ेगा इसके तरीके से। ज़्यादा नहीं मैं लाइट लाइट करती हूँ, मेरे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। मैं जल्दी अपना हेयर कट करती हूँ, करती हूँ तो खुद ही करती हूँ ताकि मेरा बाल कोई और ज़्यादा ना काटे। वाह मतलब सीरियसली मैं क्या क्या मेरे मुँह से जो निकल जाता है बस वो मैं बोल देती हूँ गाइस, जस्ट इग्नोर माई बैड वर्ड्स। उसमें कुछ बैड वर्ड तो नहीं बोलती लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर मैं मेरे मुंह से बैड वर्ड निकल जाते तो जस्ट इग्नोर इट। 3 दिन बाद कौन करती देखिए गाइस ये सच है। मैं अपने बाल बस मैं क्या करती अभी भी कहूँगी तो मैं अपने बाल को ऐसे ऐसे बस ऐसे गोल गोल घुमा के क्लचर। लगता ही नहीं है कि कौन मेरे बाल में कितने दिन से मैं झाड़ी नहीं है पता ही नहीं चलता, बस हो गया मेरा ऐसे ऐसे ही रहता मेरे सारा। लेकिन आज मैं अच्छे से क्योंकि अभी हेयर कट करना तो मुझे अच्छे से झाड़ना पड़ेगा अपने बाल को। तो गाइस देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल झड़ गए, ऐसे बहुत सारे झड़ते गाइस लंबे लंबे बाल मेरे देख सकते हैं गाइस। इसके वजह से मुझे हेयर कट करना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी अगर नहीं कट करूँगी तो पता चला मैं तकलीफ हो गई हूँ। कटिंग नहीं कर रही हूँ मैं सीरियसली, कभी भी अपना बाल मतलब हेयर कट नहीं करती थी कभी भी नहीं, बाल स्ट्रेट कराने के बावजूद भी मैंने नहीं करा था, बोल रहे थे कि नीचे नीचे कर दो मैंने नहीं। देख सकते गाइस एकदम से स्ट्रेट से मेरा बाल कट गया है। तो घर में बाल काटने का यही तरीका है। हाय भैया कितना छोटा लग रहा है, इतना बाल कट करने के बाद ही मेरा बाल लग रहा है कितना छोटा हो गया, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा हेयर कट हो रहे थे हेयर फॉल हो रहे थे तो मुझे तो कट करना ही था गाइस। ठीक है इतना चलता है और ऊपर तक दिखेगा मेरा बाल कितना छोटा हो गया गाइस देख सकते हैं। तो फाइनली हेयर कट तो हो गया, बस इतना सा ही था कट करने का, इतना सा मैं ब्यूटी पार्लर में जाती मेरे से 50 रुपये ले लेते वो लोग, मैं अपने से कर लेती अपना हेयर कट किसी करवाने मुझे संपर्क करे गाइस। मतलब जब शाम को ठीक लगता है खाने तो गाइज ये है हमारा शाम का चिप्स नासा शाम में कुछ मन करता है गाने का गाइज इसलिए मैं ये बनाई हूँ आज। तो ठीक है सो गाइज मैं बता दूँ अभी ये जो है मेरे पति
ये अभी करने वाले अखरोट चैलेंज। बहुत गर्मी है। गर्मी तो है, तो गाइस देख सकते हैं अखरोट हम लोग दांत से तोड़ने वाले हैं। इसको हाथ से तोड़ देंगे, दांत की जरूरत नहीं है मेरे। हाथ से तोड़ देंगे गाइस, देखते हैं इनका हाथ में कितना ताकत है। लेट्स सी। हां वो सॉलिड है ना। हां वो सॉलिड है। हां टूट गया और हमको लग रहा था कि बस अब मेरी बारी गाइस, देखते हैं मेरे से टूटता है कि नहीं। क्या लगता है? अरे हाथ टूट जाएगा, छोड़ दो, मोच आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं मेरे से टूटता है कि नहीं। तो गाइस अब ये मेरी बारी कि हम तोड़ते हैं कैसे, देखते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे हाथ में मोच आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं हाथ से पहले जाना पड़ेगा आज। एम्बुलेंस बुला लें क्या? अरे छोड़। अरे अरे यार ये तो बच्चों को खेलने वाली चीज है। तुमसे टूट गया मतलब ये बेकार है। मतलब मेरे से भी हाथ से अखरोट टूट गया लिटरली। आप अच्छे से दिखा दीजिए तो लगे हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच में ये मेरे से भी हाथ से टूट गया गाइस। मतलब दम वाला नहीं था यार, ये ऐसा ही था खुशबू वाला। मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम हाथ से तोड़ दिया। हम सोच रहे थे दांत से भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये तो हाथ से टूट गया। गलती से हो गया, मिस्टेक। मतलब हम ईगो पे ले लिए थे अपना कि हमको तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। ये तोड़ दिया मगर हमको भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ हम पत्थर तोड़ देते हैं। हम भी तोड़ देंगे ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये तो टूट गया, ये चैलेंज हम भी जीत गए। ये मेरे पति ये भी जीत गया। तो गाइस म्यूचुअल विन हो गया ना। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं दो मिनट बाद। ये गाइस देख सकते हैं ये क्या कर, मतलब क्या आप कर रहे हैं? कुछ ना कुछ खोजते रहते खाने के लिए गाइस, मैं बता रही हूँ। मेरे पति हमेशा कुछ ना कुछ किचन में खोजते रहते हैं। नहीं कुछ खोज रहे थे अभी, देखिए अभी क्या पकड़े हैं। तो गाइस अभी हम लोग अचानक से प्लान बना के छत चलते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे छत गाइस। मेरे पति क्या लेकर चल रहे हैं? इनका हथियार गाइस। और मैं आपको एक अच्छा वाला चीज़ दिखाती हूँ, कुछ बच्चे जो कैमरा देखे कैसे भागने वाले। अरे वीडियो गाइस मजा ही आ गया वो लोग को देख करके। वैसे ये लग गया हमारा ट्राइपॉड गाइस। अभी हम लोग बनाने वाले हैं थोड़े से रील्स। हाँ पति बोलिए। यस। तो गाइस हम लोग आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सारे हॉस्टल की लड़कियाँ यहाँ पे खेल रही हैं। सब कोई गार्डन टाइप ऐसे बना हुआ है। तो कैसे सारी लड़कियाँ हॉस्टल की, ये हॉस्टल है इनका, ये कपड़ा जहाँ पसरा हुआ है यहाँ पे सारे स्कूल के अंदर खेल रही है गाइस। ये स्कूल है जिसके अंदर सारे बच्चे खेल रही हैं, कुछ बैठे हुए हैं और उधर कुछ लड़के खेल रहे हैं वॉलीबॉल उधर रास्ता। और मैं इधर दिखाती हूँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ बच्चियाँ खेल रही है। अभी मेरा कैमरा देख के भाग जाएंगे गाइस ये लोग। तो गाइस हम लोग इतना सारा रील्स बनाने के बाद अब जा रहे हैं नीचे। मेरे पति तो पहले निकल गए हमको छोड़ के, तो अब हम भी चलते हैं घर घर पे खेल जा रही है गाइस। पता नहीं कैमरा देख कर भागे कि नहीं। कैमरा तो गाइस हमारा खाना बन चुका है और देख सकते हैं गाइस इतना मतलब पसीना अभी ये में थे। आप फिल रहा मैं रो रही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी इतना पसीना गाइस क्या कर रहे हैं। चलिए बार बार हमको इनको बुलाना पड़ता बार बार, तभी से हम इनको चार बार बुला चुके हैं गाइस। ये पता नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे लगे हैं, इनका भी न्यू यूट्यूब चैनल खोले गाइस। ये भी मेरे पति पूरा खुश हो रहे हैं। इनका भी हम यूट्यूब इनका आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी गाइस, आप इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये तो नहीं बोलते हैं मेरे पति। हम लोग खाना पीना हो गया और हम लोग एडिटिंग कर रहे थे गाइस। ये अपने मतलब ये अपने वीडियो का एडिटिंग कर रहे थे और हम भी इनके वीडियो का एडिटिंग खत्म ही हो गया। और हम भी इनके वीडियो का एडिटिंग कर रहे थे, मतलब ये पहला काफी पूरा एडिटिंग हम ही किया। मतलब सारा मतलब चीज इनका था, कंटेंट सब कुछ इनका था, बस हम तो मेरा। हाँ आपको क्या मतलब सब कुछ इनका था, लेकिन एडिटिंग में हाथ मेरा है गाइस, पैर भी पूरा दिमाग से भी सब तेरा। तो गाइस आई होप हमारा आज का जो मेरा जो ब्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया हो गाइस। उसको अभी एडिटिंग करना है, अभी तो मेरा सारा सूट ही कर रहा है। तो आई होप हमारा आज का जो ब्लॉग था आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो हमारे आगे के ब्लॉग्स में बने रहना और खूब सारा प्यार देना। और अब से हमारा ब्लॉग रेगुलर रहेगा, बस इनको बोलिएगा अच्छे से रहने। हम तो अच्छे से रहे, इनको बोलिएगा गाइस अच्छे से रहने के लिए। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।